आपके साथ अन्याय हुआ था। अगर यह आपके लिए है तो यह संदेश आपको स्वयं ढूंढ लेगा। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था उनसे जुड़ा सत्य अब उजागर हो चुका है। ईश्वर ने आपको आपका अधिकार देने का फैसला अब ले लिया है। सारी नकारात्मकता वहीं भाग गई है जहां से वह आई थी। अब आपके मन की हर एक शुभ इच्छा पूरी होने जा रही है। अब आप हर छल कपट और षड्यंत्रों पर विजय को प्राप्त करोगे और आपकी यश मान में वृद्धि होती जाएंगी। अच्छे कर्मों का फल भी भोगना होता है। आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने जा रहा है। आपने अकेलेपन का भी सदुपयोग किया है और अब आप उसका सकारात्मक परिणाम जल्द देखेंगे। आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग आपको सर्वज्ञानिक रूप से सम्मानित होते हुए जल्द ही देखेंगे, क्योंकि अब आपकी मनोवांछित इच्छाएं भी जल्द से जल्द पूरी होने को है। अब समय आ चुका है उन नकारात्मक शक्तियों का अंत होने का। ईश्वर ने समय को आपके पक्ष में अब मोड़ दिया है, क्योंकि आप भरपूर प्रेम के अधिकारी हैं और आपको प्रेम मिलेगा भी, जिस प्रेम के लिए आपने हमेशा ईश्वर से प्रार्थना की है। अब वह प्रेम आपको मिल रहा है। कलह, कलेश, अशांति और जो भी आर्थिक परेशानी थी, अब वह सब दूर होंगी, क्योंकि ईश्वर आपके परिश्रम से बहुत प्रसन्न हैं। परिवार में जो दूरियां आई थी, ईश्वर के प्रति विश्वास में जो कमी आई थी, अब आपके जीवन से इस नकारात्मकता का अंत हो जाएगा। अपने उन लोगों को परस्त किया है जिन्होंने आपकी प्रगति को रोका है। वह आपके प्रति झूठा प्रेम दिखाते हैं और आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने के नए नए रास्ते खोजते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते जा रहे थे और अपने जीवन में आप बहुत खुशी भी थे। यह देखकर वे लोग बहुत निराश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। आपने अपने लिए आवाज़ उठाई और ऐसे लोगों को पहचान कर अपने जीवन से अलग कर दिया। अब उनको अपने कर्मों का हिसाब भी चुकाना पड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय, एक चमत्कार तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए चमत्कार भेज रही है। आज इसी पल से तुम अपने जीवन की एक नई कहानी को लिखने के लिए जा रहे हो। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो उनके होने में विश्वास रखते हैं। बिना विश्वास के तो कोई दवा भी तुम्हें रोग मुक्त नहीं कर सकती है। फिर संसार में फंसे हुए अनेकों दुखों के सागर से तुम बिना विश्वास के ही कैसे बाहर निकल सकते हो? वह विश्वास की अदृश्य डोर है जो ईश्वर को आपसे जोड़ देता है। यदि आप अपने जीवन में उस डोर को थामे रखते हुए तो 111 लिखे, तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हारा खजाना है जो तुम्हें इस बदलती दुनिया में शांत और केंद्रित रखेंगी।
आशा और साहस के साथ चुने गए विकल्प तुम्हारे सपनों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपकी आशंकाओं को ही दर्शाता है। इस वक्त तुम पूर्ण रूप से प्रमाण के मार्गदर्शन पर कार्य कर रहे हो। तुम्हारा हृदय प्रेम की ऊर्जा से झलक रहा है। इसे पहने दो, क्योंकि यह तुम्हारी स्वच्छ ऊर्जा का ही प्रतीक है। धैर्य रखे, नए अवसर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। कृपया हाई वाइब्रेशन में खुद को रखने का प्रयास करें। तुम उन्हीं चीजों को अपने जीवन में आते हुए देखते हो जिन ऊर्जाओं में तुम स्वयं को रखते हो। जब तुम्हारी संवेदनशीलता अधिक बढ़ जाती है और तुम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आसपास कुछ सकारात्मकता से भरा हुआ तुम्हें दिखाई देता है। तुम समस्या नहीं समाधान देखते हो। तुम फिर से शुरू करने का जज्बा अपने भीतर रखते हो। तुम दूसरों को विश्वास से भरने में सक्षम हो। इस विश्वास में अत्यंत चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं। विश्वास करें, सब कुछ तुम्हारे लिए सही तरीके से कार्य कर रहा है। आंख बंद करके एक गहरी सांस ले, आंखें खोले और पूरे उत्साह के साथ इन शब्दों को मेरे साथ कहे। मेरे लिए सब कुछ कार्य कर रहा है। शांत और प्रसन्नता मेरा स्वभाव है। मैं हर दिन अपने सपनों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। 1111 अंक के साथ लिखे, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। यह एक संकेत है कि परमात्मा और आप, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है। ईश्वर की अनंत शक्ति आपके जीवन में चमत्कारी ऊर्जाओं को भेजते हुए प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि आपने उस संघर्ष की दीवार को पार किया है जिसकी ओर देखना भी अत्यंत कठिन था। उन सभी चीजों को अब लेट गो कर दे जो पीछे रह चुकी हैं। अब उन्हें जाने दो, क्योंकि वह आपके जीवन में अवरोध को ही उत्पन्न करते हैं। परमात्मा आपको वह सब कुछ देना चाहते हैं जो आप हमेशा चाहते थे। आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने वाले हैं, परंतु यह बदलाव आपके लिए सुखद और सिद्ध होगा। परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों के जीवन को जीने के हकदार हो और वह सब समय आ गया है जब तुम प्रेम पूर्वक इसे स्वीकार करो। तुम्हारी तरफ आ रही खुशियों को अब कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर हर पल आपके साथ हैं। तुम संघर्ष का मार्ग तय कर चुके हो, इसीलिए तुम्हारे लिए ब्रह्मांड से सुनहरे उपहार भेजे जा रहे हैं। जिस पल तुम यह स्वीकार करते हो कि कोई परम शक्ति तुम्हारे ऊपर कार्य कर रही है, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में पूर्ण संचित पाप कर्मों का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। और जिस दिन तुम ईश्वर को ही अपना सर्व ज्ञानी स्वीकार करते हो, उसी दिन से तुम्हारी बहुत सुंदर और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग
प्रशस्त हो जाता है। आँख बंद करें, एक गहरी सांस ले, अंदर ले बाहर दे और बड़ी मुस्कुराहट के साथ आज यह कह दे, मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ और उसकी ज्ञान के प्रति समर्पण करता हूँ, यह जानते हुए कि सब कुछ ईश्वर का यह समय ही होगा। मैं सकारात्मक मानसिकता विकसित करता हूँ, शांति और आत्मविश्वास मेरा बल है, मेरा यह नया जीवन संदेह और भय से मुक्त है। 906 अंक के साथ लिखे मेरे जीवन में रफ्तार आई है जो कि खुशियों की है, आनंद की है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने पिता के आशीर्वादों पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में श्री राधे लिखकर अपनी पुष्टिता प्रदान करें। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।